दोस्तों, अगर कोई आप पर M4A1 से फायरिंग करता है तो क्या ये बुलेट प्रूफ जैकेट आपको बचा पाएगी? चलिए जानते हैं 3D एनिमेशन की मदद से। अगर मैं बुलेट प्रूफ कवरिंग के आउटर को हटा दूं तो इसके अंदर चार लेयर होती हैं। सबसे आगे सिरेमिक लेयर, फिर एरेमिड लेयर, फिर वर्टेक्स लेयर और लास्ट में पॉलीइथिलीन लेयर। सबसे पहले बुलेट सिरेमिक लेयर की सिरेमिक डिस्क से टकराएगी, जिससे बुलेट की स्पीड कम हो जाएगी और बुलेट की शेप कुछ इस तरह चेंज हो जाएगी। उसके बाद बुलेट एरेमिड फाइबर लेयर से टकराएगी। ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत एक टाइट फैब्रिक है। बुलेट के कांटेक्ट में आने से यह इस तरह पीछे की ओर स्ट्रेच हो जाएगी और इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्योर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसको चीरते हुए बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकराएगी। वर्टेक्स लेयर और कुछ नहीं, बस इस फाइबर लेयर का अपडेटेड वर्जन है। आगे बढ़ते हुए ये हाई टेम्परेचर बुलेट जब इस टाइट केमिकल बॉन्ड वाली पॉलीइथिलीन लेयर की कॉन्टेक्ट में आएगी तो इस पॉलीइथिलीन का कॉन्टेक्ट पार्ट पिघल जाएगा और इस बुलेट को ऐसे जकड़ लेगी।